देवभूमि में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गीतू चौहान। ब्रिटेन की शुरुआत करते हैं। देश के 100 सबसे शक्तिशाली भारतीयों की सूची सामने आई है, जिसमें उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को सूची में जगह मिली है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का इस लिस्ट में 61वां स्थान है। पिछले साल की सूची में सीएम धामी भारतीयों में 93 नंबर पर थे। सीएम धामी लगातार 2 बार से उत्तराखंड के सीएम है। इन दिनों वो उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड कानून को लेकर चर्चा में बने हुए हैं। इस लिस्ट में पीएम मोदी सबसे पहले स्थान पर हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 6वें स्थान पर हैं। तो 100 सबसे प्रभावशाली भारतीयों में उत्तराखंड का दबदबा देखने को मिल रहा है। सीएम धामी लिस्ट में 61वें स्थान पर। सीएम धामी लगातार 2 बार से उत्तराखंड के सीएम हैं। इन दिनों वो उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड कानून को लेकर चर्चा में बने हुए हैं। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 6वें स्थान पर है। 100 सबसे शक्तिशाली भारतीय जिसको लेकर ये लिस्ट सामने आई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को सूची में जगह दी गई है और 61वां स्थान उन्हें मिला है। पिछले साल की सूची में सीएम धामी भारतीयों में 93 नंबर पर थे। सीएम धामी लगातार 2 बार से उत्तराखंड के सीएम हैं। इन दिनों वो उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड कानून को लेकर चर्चा में बने हुए हैं और इस लिस्ट में पीएम मोदी सबसे पहले स्थान पर हैं। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ को 6ठा स्थान मिला है। 100 सबसे प्रभावशाली भारतीयों की ये लिस्ट, जिसमें उत्तराखंड का दबदबा दिख रहा है, सीएम धामी को 61वां स्थान मिला है। वहीं अगर बात करते हैं सीएम योगी आदित्यनाथ की, तो वो 6ठे स्थान पर है और पहला स्थान है प्रधानमंत्री मोदी का। तो 100 सबसे प्रभावशाली भारतीय जिनका दबदबा उत्तराखंड से फिलहाल दिख रहा है, 61वां स्थान जो कि सीएम धामी को मिला है। सीएम धामी लिस्ट में 61वें स्थान पर है पीएम मोदी का पहला स्थान। वहीं अगर बात करते हैं सीएम योगी आदित्यनाथ की, तो वो 6ठे स्थान पर है। और ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे संवाददाता अनुज अवस्थी से। अनुज, उत्तराखंड के लिए सौभाग्य की बात, सीएम धामी को इस बार 61वां स्थान मिला है, जबकि पहले वो 93 नंबर पर थे। जी बिल्कुल, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को स्थान मिला है पूरे प्रदेश या पूरे देश की रैंकिंग की अगर बात करें। चूंकि यूसीसी लागू करने के बाद युवा मुख्यमंत्री के तौर पे उभरे थे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, और एक युवा चेहरे के तौर पे उन्हें जाना जाता है। अपने फैसले को लेकर के लगातार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जाने जाते हैं, चाहे वो यूसीसी को लेकर के हो, यूनिफॉर्म सिविल कोड, इसके अलावा और भी जो उत्तराखंड के लिहाज से जो फैसले। चूंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट जो केदारनाथ, बाबा केदारनाथ की अगर बात करें, बद्री विशाल की अगर बात करें, तो दोनों ही ड्रीम प्रोजेक्ट है और लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तराखंड आते हैं, चाहे वो पिथौरागढ़ के जौलीकॉन की अगर बात करें, आदि कैलाश की अगर बात करें, तो तमाम ऐसी चीजें हैं जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सबसे आगे रहे। सिलक्यारा मैटर को लेकर के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सबसे आगे रहे थे, तो एक युवा मुख्यमंत्री के तौर पे उन्हें देखा जाता है, इसीलिए उनकी रैंकिंग इस समय काफी हाई हो चुकी है और काफी लोकप्रियता। अगर आप सोशल मीडिया की भी अगर बात करें, तो लगातार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ट्रेंडिंग पे दिखते रहते हैं, चाहे वो यूसीसी के मसले को लेकर। तो जब विधानसभा में उन्हें यूसीसी लागू किया था, तो अन्य प्रदेश भी अब यूसीसी लागू करने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। इसी के तर्ज में जब सिलक्यारा का मैटर हुआ था, जब जो 41 कर्मी थे जो बाहर निकाले गए थे, उसमें भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने लोकप्रियता बटोरी थी। इसी की तर्ज पे आज जब इस तरीके की चीजें सामने आती है, तो मुख्यमंत्री एक जो चेहरा, एक युवा चेहरा जो लगातार पहाड़ों के लिए काम कर रहा है, लगातार महिला सशक्तिकरण के लिए काम कर रहा है, ऐसे इंसान की अगर रेटिंग आती है, तो एक लोकप्रियता जरूर बनती है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को लेकर। बिल्कुल, और अनुज ये भी समझा जाए कि पहले ये स्थान जिस तरह से 93 नंबर था, लेकिन इस बार 61वां स्थान हुआ है। अब यूसीसी को लेकर लगातार चर्चा में बने हुए सीएम धामी, यानी आने वाले दिनों में उम्मीद की जाए जिस तरह से उनका व्यक्तित्व है, वो आगे ऊपर बढ़ता ही जा रहा है। अनुज, मेरी आवाज मिल रही है आपको? तो 100 सबसे शक्तिशाली भारतीय हैं, ये प्रभावशाली भारतीय हैं, जिनमें पहला स्थान तो प्रधानमंत्री मोदी के नाम पर है, लेकिन सीएम धामी को 61वां स्थान मिला है। और इससे पहले अगर हम बात करते हैं पिछले वर्ष की, तो ये स्थान 93वां नंबर था। और ऐसे में एक बार फिर से कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे अनुज से। अनुज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनुज, तो जिस तरह से हम बात कर रहे हैं कि काफी प्रभावशाली हो चले हैं सीएम धामी, अगर हम बात करते हैं पिछली बार की रैंकिंग की, तो 93वां नंबर था, लेकिन अब 61वां पायदान। ऐसे में आप समझिए कि ये जो गति है इनके प्रभावशाली व्यक्तित्व की, वो लगातार बढ़ती जा रही है, यानी पायदान लगातार आगे बढ़ते जा रहे हैं।
जी बिल्कुल, जिस तरीके से मुख्यमंत्री की कार्यशैली है उससे ये बिल्कुल साफ जाहिर है कि एक युवा मुख्यमंत्री पहाड़ का मुख्यमंत्री है। साथ ही साथ जिस तरीके से मुख्यमंत्री के फैसले हैं, एक लोकप्रियता इन्वेस्टर समिट जब हुआ था तो उसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी देश नहीं विदेश दौरे पर भी गए थे, वहां पर भी अपनी लोकप्रियता बटोरी थी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने। उसी के दर पे आप जो 93वां स्थान था आज वो 61 नंबर पे आ गए हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, तो अपनी लोकप्रियता के बदौलत ही वो 61 नंबर पे आए हुए हैं। युवा मुख्यमंत्री हैं, महिला सशक्तिकरण को आगे बढ़ाना चाहते हैं, पहाड़ों का विकास करना चाहते हैं। अभी इन्वेस्टर समिट में जिस तरीके से उन्होंने बोला था कि हम ग्राउंड लेवल पे इन्वेस्टर लेकर के आएंगे, उसी के तर्ज पे अब चूंकि विकास देखने को मिल रहा है उत्तराखंड में, जो पहाड़ी जनपद है वहां पर भी अब लगातार जो विकास की गति है वो आगे बढ़ रही है, युवाओं को आगे बढ़ा रहे हैं, रोजगार दे रहे हैं, लगातार सरकारी नौकरियां हो उसमें भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार प्रशस्ति पत्र देते हुए दिखते। फिल्म सिटी निर्माण को लेकर के हो उसमें भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आ गए हैं कि अब आगे आगामी उत्तराखंड में फिल्म सिटी का निर्माण होगा। बॉलीवुड इंडस्ट्री भी अब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को लाइक कर रही है। तो सभी तरीके से युवा मुख्यमंत्री है, युवा जोश से सारी चीजें करते, इसी वजह से आज जो रैंकिंग में स्थान है वो 61वां स्थान है और काफी लोकप्रियता। जब यूसीसी लागू किया था उसी समय पे मुख्यमंत्री ट्रेंडिंग पे आए हुए थे युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, और उसी के बाद से ये स्थान उन्हें मिला है, यानी लोकप्रियता लगातार बढ़ती हुई। धन्यवाद अनुज इस पूरी जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं, हल्द्वानी हिंसा में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। दंगे में शामिल 5 महिलाओं को गिरफ्तार किया गया है, महिलाओं पर गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। मास्टरमाइंड अब्दुल मलिक का बेटा भी गिरफ्तार हुआ है। उत्तराखंड पुलिस ने दिल्ली से इसे गिरफ्तार किया है। नामजद आरोपी था अब्दुल मोइद, और वही आपको बता दें कि 8 फरवरी से फरार था अब्दुल मोइद। हिंसा में अब तक 89 लोग गिरफ्तार हुए हैं। हल्द्वानी हिंसा में पुलिस को ये बड़ी कामयाबी मिली है, और लगातार जो आरोपी के नाम सामने आ रहे थे, दंगे में शामिल 5 महिलाओं को भी गिरफ्तार किया गया है। इसके अलावा महिलाओं पर गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है, तो ये लगातार कार्रवाई चल रही है इन लोगों पर। अब्दुल मलिक का बेटा भी गिरफ्तार किया गया है जो कि मास्टरमाइंड रहा इस पूरे वाकये में। तो हल्द्वानी हिंसा में पुलिस को ये बड़ी कामयाबी मिलती हुई दिखाई दी है। दंगे में शामिल 5 महिलाओं को गिरफ्तार कर लिया है पुलिस ने। हल्द्वानी हिंसा में नैनीताल पुलिस एक्टिव होती हुई, महिलाओं पर गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है, यानी जिस वक्त ये हिंसा हुई थी उस वक्त महिलाएं भी इस हिंसा में शामिल थी। वहीं मास्टरमाइंड अब्दुल मलिक का बेटा भी गिरफ्तार किया गया है। उत्तराखंड पुलिस ने दिल्ली से इसे गिरफ्तार किया है। हल्द्वानी हिंसा में नैनीताल पुलिस लगातार एक्टिव, और नामजद आरोपी अब्दुल मोइद को गिरफ्तार किया है। हिंसा में अब तक 89 लोग गिरफ्तार हुए हैं। देखिए, वनपुलपुरा में जो घटना हुई है उसमें 3 FIR लिखी गई थी। अब इसमें जो हमारे पास साक्ष्य आ रहे हैं, जो वीडियो फुटेज का एनालिसिस हमने किया है, और जिस तरीके से जो वहाँ पर ऑब्जर्व करने वाले लोग चिन्हित हुए हैं, इसमें कुछ महिलाओं की भी संलिप्तता आई थी। तो आज उसमें साक्ष्य संकलन करते हमने 5 महिलाएँ जो उनको गिरफ्तार किया है। ये 5ों महिलाएँ मलिक का जो बगीचा है उस वहाँ पर जब अतिक्रमण की कार्रवाई को किया जा रहा था उस संदर्भ में इनके द्वारा वहाँ पर पुलिस पार्टी पर पथराव किया गया, एवं पुलिस पार्टी का जो वाहन थे उनको जलाने में जो दंगाई थी उनकी भी इन्होंने मदद की है। तो उसी आधार पर 5ों महिलाओं को इस दंगे में शामिल करते हुए गिरफ्तार। और यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। तेरे के सामुदायिक हेल्थ सेंटर में लापरवाही की वजह से एक गर्भवती महिला की मौत हो गई। न्यूज इंडिया ने इस मामले में लापरवाही को उजागर किया। न्यूज इंडिया की खबर का असर फौरन देखने को मिला। स्वास्थ्य महानिदेशक ने लापरवाह चिकित्सकों पर कार्रवाई करने का भरोसा दिया है। दरअसल इस मामले में राज्य के हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर धन सिंह रावत ने ड्यूटी पर तैनात डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। उन्होंने इस घटना पर दुख जताया। आपको बता दें कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र चौंड में गर्भवती महिला को उपचार ना मिलने से महिला की मौत हो गई। उस वक्त हेल्थ सेंटर में डॉक्टर मौजूद नहीं थे। इसके बाद हेल्थ मिनिस्टर ने स्वास्थ्य महानिदेशक को साफ तौर पर हिदायत दी, मरीजों के साथ किसी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इतना ही नहीं, मेडिकल ऑफिसर्स और स्टाफ की बायोमेट्रिक को दुरुस्त करने का भी निर्देश दे दिया है, ताकि कर्मचारियों की हेल्थ सेंटर में उपस्थिति पर नजर रखी जा सके और मरीजों के इलाज में किसी तरह की कोताही ना हो।
और ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे संवाददाता अनुज अवस्थी से। अनुज, तो ये बड़ी लापरवाही यहाँ पर देखने को मिली है जिसके चलते गर्भवती महिला की मौत हो गई, क्या कुछ कार्रवाई अब की जा रही है डॉक्टर्स के खिलाफ? बिल्कुल गीतू, न्यूज इंडिया की खबर का असर हुआ है। न्यूज इंडिया ने सबसे पहले ये खबर चलाई थी कि टिहरी के सीएससी जो चौड़ इलाका है वहां पे एक गर्भवती महिला का एक वीडियो सामने आया था जो देर रात तक पूरे सीएससी केंद्र में कोई डॉक्टर ना होने के कारण वो देर रात तक कराहती रही थी, दर्द के कारण पूरी रात उसको जो तड़पना पड़ा था। उसी को लेकर के जब स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत से न्यूज इंडिया की बातचीत हुई तो उन्होंने न्यूज इंडिया को ही नसीहत देना चालू कर दिया। उन्होंने साफ तौर पर बोला कि पहाड़ों पर आप जाकर के देखें कि हमारी स्वास्थ्य व्यवस्थाएं कितनी सही है। लेकिन जब इस तरीके का प्रकरण सामने आया तो न्यूज इंडिया की खबर का सबसे बड़ा असर हुआ। स्वास्थ्य मंत्री ने तत्काल रूप से उस खबर को आड़े हाथों लिया और तुरंत के तुरंत स्वास्थ्य महानिदेशक को यह आदेश भी दिया कि जितने भी बायोमेट्रिक हैं उनको चेक किया जाए कि डॉक्टर की जो उपस्थिति है वो उसमें देखी जाए कि डॉक्टर्स या फार्मासिस्ट या नर्सिंग के जो अधिकारी हैं वो वहां पे पहुंच रहे हैं या नहीं पहुंच रहे हैं, उनका सबसे पहला डाटा चेक किया जाए और जो पहाड़ की स्वास्थ्य व्यवस्था उसको चुस्त दुरुस्त किया जाए। साफ तौर पर डीजी हेल्थ को फटकार लगाई गई है। डीजी हेल्थ ना तो अपने कमरे से बाहर, इस खबर को साफ तौर पर चलाया गया था न्यूज इंडिया में कि डीजी हेल्थ अपने कमरे से बाहर एसी कमरे से बाहर तक नहीं निकलती है और जितने भी सीएससी पीएससी जो केंद्र है स्वास्थ्य विभाग के जो अन्य जिले हैं पहाड़ों के जिले हैं वहां अभी भी उन्होंने एक बार भी जाकर के वहां का इंस्पेक्शन नहीं किया। बनपुरा कांड हो गया वहां पर भी सुशीला तिवारी अस्पताल हो हल्द्वानी का या अन्य हॉस्पिटल्स हो एक बार भी जाकर के वहां की चीजें नहीं देखी। तो इस जब तक अधिकारी पकड़ नहीं बनाएगा, जब तक अधिकारी नीचे वाले डॉक्टरों पर पकड़ नहीं करेगा तब तक ये मामला ऐसा ही चलता रहेगा। इसी को लेकर के आज स्वास्थ्य मंत्री ने इस तरीके का बयान दिया कि अब जाकर के जो स्वास्थ्य व्यवस्था उसको दुरुस्त किया जाएगा। साथ ही साथ न्यूज इंडिया को धन्यवाद भी दिया कि अगर ये खबर चलाई है तो इस खबर पर हमने एक्शन भी दिया है और एक्शन लेने के बिल्कुल अनुज इस तरह के एक्शन होने भी चाहिए तभी जनता का विश्वास बढ़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस पूरी जानकारी के लिए। यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। उत्तराखंड राजभवन में 3 दिवसीय वसंत उत्सव का आगाज हो गया। 3 दिवसीय वसंत उत्सव का शुभारंभ राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने किया। इस दौरान कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी भी मौजूद रहे। वसंत उत्सव में 15 मुख्य प्रतियोगिताओं की श्रेणी में 53 उपश्रेणी है जिनमें पहले दूसरे और तीसरे स्थान पर आने वाले को पुरस्कार दिए जाएंगे। 1 मार्च से 3 मार्च तक वसंत उत्सव का कार्यक्रम चलेगा। आपको बता दें कि 3 दिवसीय वसंत उत्सव 2024 के प्रचार प्रसार के लिए विशेष प्रचार वाहनों का राज्यपाल ने फ्लैग ऑफ किया था। वसंत उत्सव के प्रचार प्रसार के लिए फूलों से सजे 2 वाहन पूरे देहरादून में इस महोत्सव का प्रचार प्रसार कर पुष्प प्रदर्शनी के लिए लोगों को इसकी जानकारी दी थी। सबसे बड़ा मैं कहूंगा पर्व है और एक बात पक्की है कि उत्तराखंड सचमुच में पुष्प प्रदेश बन गया है और यहाँ पर एक अलग बात है। हमारे फूलों के अंदर में जो दिव्यता है, भव्यता है, सुंदरता है वो पूरे विश्व से बिल्कुल अलग है। आज सबका, हरेक उत्तराखंडी का, हरेक भारतीय का उत्साह देखकर, उनका पुष्पों के साथ प्यार देखकर, उनका हनी के साथ प्यार देखकर, उनका प्रकृति के साथ प्यार देखकर बिल्कुल अलग ही एक आनंद आ रहा है। उत्तराखंड में एक बार फिर मौसम का मिजाज बदल गया है। मौसम विभाग के मुताबिक 1 मार्च से लेकर 3 मार्च तक पर्वतीय जनपदों में 3000 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हल्की से मध्यम बारिश और बर्फबारी होने के आसार है। मौसम विभाग ने बर्फबारी और गरज चमक के साथ ओलावृष्टि का येलो अलर्ट भी जारी किया है। मौसम विभाग के निदेशक विक्रम सिंह ने प्रदेश भर में 2 मार्च तक बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी करते हुए कहीं कहीं गर्जन के साथ आकाशीय बिजली गिरने और 40 किलोमीटर से 50 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चलने की संभावनाएं जताई हैं।
बात करते हैं नैनीताल की, जहां पर NPCDCS के तहत गैर संचारी रोगों के बारे में जागरूक बनाने के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया गया और इस कार्यक्रम में मेडिकल स्टाफ को गैर संचारी रोगों के रोकथाम के लिए प्रशिक्षण दिया गया। इसमें सभी ब्लॉक के मेडिकल ऑफिसर, स्टाफ नर्सेस, फार्मासिस्ट, CHO और ANM शामिल हुए। इस दौरान प्रशिक्षक डॉक्टर ललिता सिसोदिया, याशिका तिवारी, मनोज बाबू और ANM मौजूद रहे। प्रशिक्षक डॉक्टर ललिता सिसोदिया ने बताया कि भारत में हुई रिसर्च में ये देखा गया कि 60% मृत्यु दर गैर संचारी रोगों के कारण बढ़ी है, जिसको देखते हुए ये प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाया जा रहा है। ग्रामीण स्तर पर भी लोगों को गैर संचारी रोगों और इसके रोकथाम के लिए जागरूक किया जा सके। ट्रेनिंग हो रही है, ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हो रही है, सारे ब्लॉक्स की हो रही है और ये ट्रेनिंग है जो डॉक्टर ललिता सिसोदिया के द्वारा दी जा रही है और ये ट्रेनिंग है NCD के अंतर्गत जितने कार्यक्रम है उस पर कंट्रोल करना और उसको प्रिवेंट करना और उसी के थ्रू ये सब चीज़ें हमें, चाहे वो CHOs हैं, ANMs हैं, मेडिकल ऑफिसर्स हैं या नर्सेज हैं, इन सभी को ट्रेन किया जा रहा है कि आप कैसे अपने ब्लॉक के लेवल पे या फिर अपने गांव में आप कैसे अपने लोगों को जागरूक कर सके कि NCD जो है वो क्या है और कैसे इसकी रोकथाम की जानी है। देवभूमि के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही, रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद खबरें जारी हैं।